आज मैं गाइस आपको एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ और ये वन ऑफ दी बेस्ट टीवी जो हमने फाइंड आउट की है। बेसिकली ये टीवी हमने ऑफिस पर्पस के लिए लिया है। हमारी मेन रिक्वायरमेंट कहती है कि सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सारा अकाउंट्स इसी पे लिंक करके चलाते हैं। प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, ड्यूरेबिलिटी, रिपेयर, वो सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाय करने से पहले हमने अमेजन फ्लिपकार्ट पे काफ़ी रिसर्च मारा। बहुत सारे ब्रांड्स थे कि स्पेशली जो चाइनीज़ ब्रांड्स आते हैं उनकी रिव्यूज़ में बहुत से निगेटिव कमेंट्स हैं, स्पेशली पैनल 2-3 हफ्ते में ख़राब हो जा रहे हैं, पोर्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न आप देख सकते हैं। सो हमने डिसाइड किया ऐसी टीवी ट्राई करते हैं जो बिग ब्रांड्स, रेप्यूटेड ब्रांड्स के, जैसे कि LG, सोनी, सैमसंग, व्हाटएवर जो भी हैं। तो हमने स्टार्ट किया इस लेटेस्ट LG की टीवी से। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस मिला, आई थिंक हमारे हिसाब से तो ये बेस्ट टीवी है। लेट्स फाइंड आउट कि इस टीवी में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या आप इन टीवी ब्रांड्स को प्रेफर करें या उन चाइनीज टीवी ब्रांड्स को जिसमें बहुत सारी फॉल्स आ रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जानी ये रामपुरी है, अच्छे अच्छे को काट देती है, ये तो जस्ट लोहा था। फर्स्ट स्टैंड, एक और स्टैंड ऑफ कोर्स हो तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ नहीं बॉक्स में, कम्प्लीटली खाली है। एंड ये रही टीवी, इसको भी फटाफट बाहर निकालते हैं। वाव, बेजल तो इसके बहुत ही कम लग रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या मिला है यहाँ पे। ऑफकोर्स यहाँ पे रिमोट मिला होगा, एवरीडी बैटरीज, कुछ मैनुअल्स हैं, वारंटी आपको बढ़वाना है, एडिशनल वारंटी भी LG प्रोवाइड करती है आई बिलीव सो, लाइक आप 4-5 ईयर्स 3 ईयर्स एटलीस्ट आई थिंक इंक्रीज तो कर ही सकते होंगे। मैनुअल्स है, पढ़ लीजिएगा, कभी न कभी तो काम आ ही जाएगा। एंड ये था रिमोट, काफ़ी लाइट सा लग रहा है, ये भी छोटा सा है। पहले सबसे पहले यहाँ पर स्टैंड कनेक्ट करते हैं। प्लास्टिक मेड स्टैंड है ऑफ कोर्स, इस प्राइस में आपको मेटल मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। लाइक कुछ नोच भी दे ना तो भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुड़ जा रहा है। यहाँ पे देखो प्रॉपरली डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे आपको ये ऐसे डालना पड़ेगा हल्का सा तिरछा लगा के। टीवी का ये सेटअप वेटअप सब कुछ जो है, मैंने इसको 2 दिन प्रॉपरली यूज़ भी कर लिया, डिफरेंट तरीके की टेस्टिंग परफॉर्म कर ली। अब आपको चलिए बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मुझे कम ज़्यादा लगा। फर्स्ट जो मैंने बिग डिफरेंस नोटिस किया वो इस टीवी की परफॉर्मेंस में, जैसे कि अभी मैंने टीवी को जस्ट मेन बोर्ड से पावर ऑन किया है और आप देख रहे हैं ये टीवी कितनी जल्दी ऑन जाती है। यहाँ से मैंने पावर बटन प्रेस किया और यह फास्टेस्ट बूट टीवी मान सकते हैं। लाइक 15,000 के अंदर में इतनी कूल परफॉर्मेंस देखा आपको नहीं मिलेगी। विद इन 14-15 सेकेंड में टीवी परफेक्टली ऑन हो गई और जस्ट 5 सेकेंड और लगा और टीवी आपकी प्रॉपरली रेडी टू यूज़ है। तो 20-25 सेकेंड लगेगा और आपकी टीवी एकदम फटाफट बूट हो रही है। यूजली जो एंड्रॉयड टीवीज़ होती हैं लाइक प्योर गूगल एंड्रॉयड बेस में, वो 2-3 मिनट बहुत आसानी से लेती हैं, प्लस ऐप उसके बाद लोड होने में बहुत टाइम लगता है। राइट, अब यहाँ पे जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये वेब ओएस है, LG का खुद का प्रोप्राइटी, यहाँ पे आपको दिखाई भी पड़ रहा है वेब ओएस लिखा हुआ है। जो भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहेंगे, लाइक कोई भी OTT का ऐप जो आप चाहते हैं, जितनी भी मेजर प्लेयर हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon Prime, G5, सोनी लिव, सारे के सारे ऐप यहाँ पे हैं। प्लस एडिशनल आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, न्यूज़ के भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो सब इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे भी टीवी के लिए जितने भी ऐप बने हैं वो बहुत ज़्यादा बने भी नहीं हैं, अगर आपने ऐसी टीवी चलाई है तो। मैं सारे ब्रांड्स चला रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है, तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको खुद ही मिल जा रहे हैं। तो इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, लाइक अगर आप जैसे इंस्टॉल कर सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ट्रेंडिंग में आपको सारी यहाँ पर लेटेस्ट चीज़ें नज़र आ जाएंगी। प्लस स्पोर्ट्स अलर्ट है और स्ट्रीमिंग में जैसे YouTube, Apple TV, Prime Video, तो उसके जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंटेंट्स वो ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे, लाइक यू नो जो होम स्क्रीन होता है जिसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जा रही हैं। प्लस अगर यहाँ पे रिमोट पे मूवीज़ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने ऐप इंस्टॉल करके कॉन्फिगर कर रखे हैं उनके ये कंटेंट खुद ले लेगा। तो मूवी सर्च करते हैं यहाँ पे, देखो सभी के आ जाएंगे यहाँ पे, टीवी शोज़ के जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हैं सारे के सारे कंटेंट आप यहाँ पे खुद फील कर सकते हैं। इस प्राइस में आप कोई भी टीवी ले लेंगे अंडर 15 में, लाइक 13-14-12 हज़ार में, सब में आपको जस्ट HD पैनल ही मिलता है। यूजली जो HD पैनल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा पिक्सेलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बट इस टीवी में क्या है कि वो उतना फील नहीं हो रहा। लाइक LG और अदर ब्रांड्स की आप जानते हैं क्वालिटी पिक्चर कैनल की बेटर होती है, जो अगर आप चाइनीज़ टीवीज देते हैं जो कम प्राइस में मिलती। यहाँ पे कलर्स मोस्टली सैचुरेटेड आते हैं, बाकी आप और चाहें तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिफरेंट मोड लगा सकते हैं।
वो सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको कोई डेमो दिखा रहा हूँ, आप खुद ही वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ आपको कंटेंट प्ले करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वालिटी कैसी आ रही है। अब यहाँ पे वेब ओएस है कम्प्लीटली एंड्रॉयड नहीं है, तो आपको गूगल का होम ऐप यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। इंस्टेंट एलजी ने खुद का एप्लीकेशन बना रखा है, वो एलजी थिंक्यू, यानी कि अगर आप रिमोट नहीं यूज़ करना चाहते हैं और अगर आप स्मार्टफोन से सारी फंक्शनलिटी चाहते हैं, तो आपको जस्ट ये ऐप इंस्टॉल करना है। ये बहुत iOS एंड एंड्रॉयड में अवेलेबल है, जैसे कि अभी जो भी आपके LG के इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देंगे, लाइक TV आपने कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको रिमोट मिल जाता है, और आप यहीं से आप कोई भी चाहे लाइक प्ले फोन साउंड ऑन TV स्पीकर, और अगर आप स्क्रीन चाहे तो कास्ट कर सकते हैं फ़ोन से, सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप ऐप भी देख सकते हैं डायरेक्टली, आप ऐप को यहीं से क्लिक करेंगे तो ऐप यहाँ से आपके देखिए ओपन भी जा रही है, लाइक यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स क्लिक किया तो नेटफ्लिक्स TV पे अपनी ऐप लॉन्च हो गई, तो ये भी कूल फीचर दिया गया, तो ये काइंड ऑफ आप मिनी रिपोर्ट मान सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप डिफरेंट इनपुट देख सकते हैं, अगर आप HDMI सेलेक्ट करना हो, AV या लाइव TV स्विच करना हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देंगे, तो ये ऐप एक्चुअली मच बेटर लग रहा है, जो गूगल का खुद का होम ऐप आता है उससे लॉट बेटर ऑप्टिमाइज लग रहा है। थोड़ा सा आपको मैं रिमोट का भी एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पकड़ा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा बटन से मैं इसको चलाऊँगा कैसे, लेकिन जैसे मैंने इसको एक दिन यूज़ किया तो मुझे ये एक्चुअल ज़्यादा बेटर इसलिए लगा बिकॉज जनरली आपने देखा होगा TVs में कुछ ही बटन्स होते हैं रिमोट में, और आपको एक बार उसी बटन को बार बार क्लिक करके सब मेन्यू में नेविगेट करके करना पड़ता है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल टाइप का है, पुराने टाइप का, बट ऑलमोस्ट सारे शॉर्टकट आपको यहीं पर मिल जाते हैं, तो आपको जस्ट वन क्लिक में ही सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक मुझे लगता है ज़्यादा बनाया गया है कि आपको जस्ट ज़्यादा नेविगेट नहीं करना पड़े, फटाफट आप सारे कमांड सारे कंट्रोल रिमोट में सामने से ही देख के उसको ऑपरेट कर सकें। यहाँ पे 10 वाट के आपको स्पीकर्स मिलते हैं, नंबर गाइस बहुत ही छोटा बढ़ गया। यहाँ पे सरप्राइज मुझे ये लगा कि 10 वाट के साथ सभी क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है, और मैं मैक्सिमम इसको जस्ट इस अपने स्टूडियो में 30-35 तक ही सुन पाया। मैं आपको BGMI का कोई डेमो दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि इसमें साउंड आउटपुट कैसा है जब मैक्सिमम 30-40 लेवल पे भी। बेसिकली गाइस TV का अदर यूज़ ये भी होता है कि आप उसमें अदर कंटेंट कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आप लैपटॉप या अदर किसी गैजेट्स को HDMI से कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसा होता है। तो मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस को बताता हूँ, इस फ़ोन से कास्ट करके यूजिंग LG ThinQ ऐप, तो आप BGMI जब भी आप देख रहे हैं वो मैंने इसी फ़ोन पे प्ले किया है और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया आ रहा है। फ़ोन का आउटपुट नहीं बल्कि आप TV का जो आउटपुट है वो देख रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग भी इसमें बहुत ही बढ़िया हो रही है। अगर आप HDMI से प्ले करेंगे तब तो कंटेंट और फास्ट स्ट्रीम होगा। मैंने इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके थोड़ा सा वर्क भी किया है, तो अगर आप जस्ट फॉर TV पर्पस नहीं अदर चीज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सही चल रहा है, बिकॉज साइज उतना बड़ा नहीं है, तो आप प्रॉपर्ली इसको बगल में बैठ के इसको एज ए मॉनिटर भी या अदर किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको HDMI से प्ले करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली एक गेम ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन दिया गया है विच ओनली वर्क्स ऑन दी HDMI, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एट द लास्ट में गाइस मैं अपना फीडबैक बताऊं, उससे पहले मैंने खुद यहाँ पे जहाँ से मैंने अमेज़न से बाई किया मैंने वहाँ पे सारे के सारे लेटेस्ट रिव्यूज़ चेक किए, तो ऑलमोस्ट जितने भी रिव्यू मैंने देखे 10 में से 9 लोगों को रेटिंग्स बहुत ही अच्छी दी, यानी कि सबको 4-5 स्टार दिया है। कुछ इशूज़ लोगों को लगी जैसे कि Alexa कनेक्ट नहीं हुआ, मेरे में कनेक्ट हो गया। कुछ लोगों को लगा कि हाँ थोड़ा सा लैग करा लेकिन मेरे में ऐसा नहीं लगा, तो ऐसी माइनर माइनर प्रॉब्लम्स हैं जो पर्सनल यूसेज भी वेरी कर सकती हैं। तो बेस्ड ऑन दी रेटिंग्स मैंने इसको बाई किया था और मेरे साथ भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा, लाइक मैंने रियलमी भी यूज़ किया है, रेडमी भी लगा रखा है, वन प्लस भी लगा रखा है, तो कम प्राइस में जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो ज़्यादा बढ़िया मज़ा मिला मुझे इस LG की TV में। तो ऑफकोर्स अगर आप एक कम प्राइस में बढ़िया TV लेना चाहते हैं ना तो LG आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, मेरी तरफ से ये गुड टू गो है।